इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं उन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग ए बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम ओवर आइस, द कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन इज। ये बोल रहा है कि कोई आइस का ब्लॉक है एक तरह से, और उसके ऊपर हमने एक बॉडी को रखा हुआ है जिसका मास कितना है। इसका मास आपको दिया हुआ है एम इक्वल टू 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम का कोई ब्लॉक है, उसको किसी आइस क्यूब के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये आइस का कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक रखा है जिसका मास है 100 किलोग्राम, और इसको जस्ट मूव करवाने के लिए हमें 98 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 98 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे तो जस्ट ये मूव करेगा। अब जस्ट मूव करने का मतलब है कि आपने अभी जो फोर्स अप्लाई कर रखा है वो इन दोनों सरफेस के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा उसके बराबर होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो जस्ट ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में डेवलप हो रहा होगा और उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इन टू एन। यहाँ पे एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आप देखो यहाँ पे जो ये क्यूब है इसका मास है एम, और इसकी वजह से एक वेट फोर्स नीचे बन रहा होगा एम जी, और उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ऊपर की तरफ डेवलप हो रहा होगा। तो एन किसके बराबर है यहाँ पे, एम जी के बराबर है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर होगा म्यू एस इन टू एम जी। क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है कि कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। तो म्यू एस इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जो हम अप्लाई कर रहे हैं 98 न्यूटन के बराबर है, डिवाइडेड बाई एम जी। एम की वैल्यू है यहाँ पे 100 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.8 ले लो ताकि इजीली कैंसिल हो जाए चीजें। तो क्या आएगा सॉल्व करोगे तो 0.1 के बराबर। अच्छा, ये जो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, जस्ट ये एक नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ब्लॉक ऑफ 1 किलोग्राम इज स्टॉप्ड अगेंस्ट ए वॉल बाई अप्लाइंग ए फोर्स एफ परपेंडिकुलर टू द वॉल, इफ म्यू इक्वल टू 0.2 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ विल बी। ये बोल रहा है कि एक दीवार है, उसके सारे हमने एक ब्लॉक को ऐसे चिपका के रखा हुआ है और ऐसे धक्का मार के हम उसके ऊपर कोई एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये कोई एफ फोर्स अप्लाई किया, ये कोई एम मास का ब्लॉक मान लो, तो ये दीवार के चिपका हुआ है। ये मान लो दीवार है तो इसकी ये चिपका हुआ है, ये स्लाइड करके नीचे नहीं आ रहा। तो ये बोल रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये स्लाइड होके नीचे नहीं आए, तो कितनी लगानी है, कितना फोर्स इसके ऊपर लगाना है ताकि ये स्लाइड होके नीचे नहीं आए। तो पहले तो ये समझेंगे कि यहाँ पे इसको नीचे लाने वाला फोर्स कौन है, कौन ला रहा है इसको नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे जो इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी प्रोड्यूस होगा वो इसको स्लाइड करके नीचे लाने की कोशिश करेगा, और इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी स्लाइडिंग अगर नीचे की तरफ हो रही है, अगर ये नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ डेवलप होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आपने कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई कर रखा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो जब आप मैक्सिमम फ्रिक्शन जो डेवलप कर पाते हो दो सरफेस के बीच में होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बोल रहा है कि एफ की वो मिनिमम वैल्यू बताओ जिसको अप्लाई करके आप इस ब्लॉक को रोक पाओगे, मतलब उससे इतना फ्रिक्शन डेवलप कर पाओगे कि वो एमजी को कैंसिल कर दे। तो एमजी को जस्ट कैंसिल करना है, तो कितना फ्रिक्शन डेवलप होना चाहिए इन दोनों सरफेस के बीच में, जो मैक्सिमम डेवलप हो सकता है वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। एमजी को कैंसिल करने के लिए आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए ये बोलते हैं ना कि एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये रुका रहे, तो उसके लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा है और एफ आपने मिनिमम लगा रखा है और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको रोक पा रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल इक्वल टू म्यू एस इन टू एन। कई बार क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के ये दोनों अलग अलग गिवन नहीं होते हैं, आपको एक ही कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा होता है म्यू, तो उसको आप म्यू एस की जगह भी लोगे और म्यू के की जगह भी लोगे अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें वो अलग अलग बताएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन अगर बताया नहीं है तो म्यू एस भी यही है और म्यू के भी यही है अपना, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा ही कम होता है म्यूके म्यूएस की कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे अगर आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है ताकि हम एमजी के बराबर उसको पुट करके सॉल्व कर पाए कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब आप ये फोर्स एफ अप्लाई करोगे तो ये वाला जो ब्लॉक है ये सर्फेस को दबाएगा, है ना, ये सर्फेस को क्या करेगा, पुश करेगा, दबाएगा, और इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर खुद के ऊपर आएगा। ब्लॉक दीवार को दबा रहा है, किसी
एफ फोर से मान लो, जो कि इसी के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है ना वो यही है, तो इसके बराबर होगा। तो ये स्मॉल एफ, मैं कॉन्टैक्ट फोर्स की जगह कैपिटल एफ लिख देता हूं, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है जो इस ब्लॉक और दीवार के बीच में, वो एफ के बराबर है, और उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। तो ये जो एन है यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये इस अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो किसके बराबर लेनी है, अप्लाइड फोर्स के बराबर, क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं लगाया जाता तो यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप नहीं होता या कोई भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप नहीं होता। हम सरफेस को दबा रहे हैं इस ब्लॉक के थ्रू, तभी तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ। तो जितना आप ये फोर्स ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। तो एन की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे एफ के बराबर है। अब क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो म्यू एस इंटू एन है वो बराबर होना चाहिए एम जी के। अब एन की वैल्यू एफ के बराबर पुट कर दो, किसके बराबर, एफ के बराबर पुट करो इसको, इक्वल टू एम जी। अब कैलकुलेट क्या करवाया इसने, एफ की वैल्यू पूछी है, तो एफ कितना होगा इसके लिए ताकि ये रुका रहे ब्लॉक, तो ये एम जी अपॉन म्यू एस के बराबर होगा। एम कितना है, मास दे रखा है ब्लॉक का 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू हम 9.8 ले लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और बाकी आप 10 भी ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आंसर चेक कर लेंगे फिर। और म्यू एस कितना है, 0.2, कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 49 न्यूटन के बराबर। अगर आप जी की वैल्यू 10 लेते हो तो ये 50 न्यूटन आता, तो उसके अप्रोक्सीमेटली जो नियरेस्ट जो आंसर होता वो यही होता 49 न्यूटन, तो इसको हम टिक कर देते। आया समझ में, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको। तो अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे, 49 न्यूटन के बराबर है, ताकि ये इस ब्लॉक को स्लाइड होने से रोक पाए। अगर 49 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो आराम से ये चिपका हुआ रहेगा, लेकिन 49 से अगर कम फोर्स अप्लाई कर दिया 49 न्यूटन से, तो फिर ये स्लाइड होकर नीचे आ जाएगा। एमजी की वजह से ये क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा फिर, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। ये बोला कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ताकि ये ब्लॉक मूव नहीं करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो ताकि ब्लॉक स्टेटिक कंडीशन में रहे, मूव नहीं कर पाए। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता था कि जो अप्लाइड फोर्स है उसकी मिनिमम वैल्यू बताओ जिससे ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। दोनों का आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये बोल रहा है कि ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, तो एफ को ये जो अप्लाइड फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे लगाया गया है, ये मैक्सिमम कितना लगाया जा सकता है ताकि ये रुका हुआ रहे, और अगर आप थोड़ा सा भी उस फोर्स को बढ़ा दो तो ये स्लाइड करना चालू कर दे। यानी कि यहां पे इन दोनों सरफेस के बीच में कौन सा फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा, अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये जस्ट मूव करने वाली सिचुएशन में आ चुका है। अप्लाइड फोर्स इतना अप्लाई किया है, मैक्सिमम इतना आपने अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया है कि जस्ट ये मूव करने वाला ही है, ठीक है। तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो एक तरह से फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इस ब्लॉक का मास दे रखा है 3 किलोग्राम, म्यू दे रखा है 1/2√3, और एंगल जिसके ऊपर फोर्स को अप्लाई किया गया है ओरिजोनटल से वो आपको दे रखा है 60 डिग्री, और पूछ रहा है कि एफ कितना होगा ताकि ब्लॉक मूव नहीं करे। मूव नहीं करने का मतलब है कि होरिजोनटल डायरेक्शन में इस पर जो भी फोर्स लगेगा, फोर्स वैसे टेढ़ा लग रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स कितना है जो इसको स्लाइड करवाने की कोशिश करेगा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, तो उससे वो सॉल्व होगा कि भी कितना फोर्स आप अप्लाई कर पाओगे मैक्सिमम, ठीक है। मान लो कि आपने वो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रखा है जिससे जस्ट ये मूव करने वाला ही है या रुका हुआ है, जस्ट ये रुका हुआ है, अगर थोड़ा भी बढ़ा दिया उसको तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो फोर्स है इसके मैं कंपोनेंट्स कर रहा हूं समझने के लिए, दो कंपोनेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ क्या आएगा, एफ कॉस 60, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा नीचे की तरफ, वो आएगा एफ साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 होता है √3/2, यानी कि हो गया √3 f/2, और ये कितना हो गया, कॉस 60 होता है 1/2, यानी कि हो गया f/2। तो जो फोर्स आपने अप्लाई किया वो f/2 के बराबर है ना, और ये जो f/2 है ये किसके बराबर होगा यहाँ पे, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा उसके बराबर होगा, तो एफ एल लिख देता हूं यहाँ पे। और जो हमारा जो हिंट है क्वेश्चन का सॉल्व करने का वो यही है कि जो एफ एल है वो f/2 यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसके बराबर होना चाहिए, तब ये रुका हुआ रहेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताओ, म्यू एस इंटू एन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स।
अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि इसमें पुट कर पाए। यहाँ पे कौन कौन से फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहे होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगा वो देखते हैं। एमजी लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है, और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा होगा एन, ठीक है। अब तीन फोर्स आपको दिखाई देंगे जो इस ब्लॉक के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन लग रहे होंगे, तो दो फोर्स लग रहे हैं नीचे की तरफ, एक तो एमजी और एक ये रूट थ्री एफ बाई टू, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है। यानी कि एन जो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, एमजी प्लस रूट थ्री बाई टू एफ के बराबर होना चाहिए। ये चीज समझ में आई कि आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर लेना है, आपको जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उसके बराबर, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है इक्वेशन में, वहां पे लिखा हुआ है वन बाई टू रूट थ्री एन टू, एन की जगह क्या लिखना है एम जी प्लस रूट थ्री बाई टू एफ लिखना है इक्वल टू एफ बाई टू। अब सॉल्व करना है दोनों साइड में, ये देखो टू से टू ये तो उड़ाई दो इधर, ठीक, ये वन बाई रूट थ्री इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं एम जी बाई रूट थ्री, रूट थ्री इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस एफ बाई टू, और ये टू इधर कैंसिल हो चुका है तो इधर सिर्फ एफ बचेगा, ठीक है। ये उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, ये उठा के हम उधर लेके जा रहे हैं, तो ये आएगा एम जी बाई रूट थ्री इक्वल टू एफ बाई टू। तो बताओ एफ की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये टू इधर ले जाओ तो टू बाई रूट थ्री एम जी इसके बराबर आएगी। अब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा इसको, टू बाई रूट थ्री, एम की वैल्यू कितनी है रूट थ्री किलोग्राम के बराबर है, और जी की वैल्यू टेन ले लेते हैं तो क्या आएगा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20 न्यूटन के बराबर। यानी कि 20 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, अगर 20 से आपने थोड़ा भी बढ़ा दिया तो जस्ट ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, आया समझ में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, 20 न्यूटन का मैक्सिमम जो फोर्स है वो आप अप्लाई कर सकते हो तब तक ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता कि वो मिनिमम फोर्स बताओ जो उसको स्लाइड करवाने के लिए जरूरी है, तो वो भी 20 न्यूटन के बराबर ही मानते हैं आप, क्योंकि ये वो फोर्स है जो लिमिट आ गई, अब इससे थोड़ा भी आपने बढ़ा दिया ना फोर्स, 0.0001 न्यूटन भी बढ़ा दिया 20 से, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो वो लगभग 20 के बराबर ही होगा ना, इसलिए ऐसा बोलना है। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि मोर देन 20 लेस देन 20, तब आपको मोर देन 20 लिखना है, लेकिन ऑप्शन ही अगर 20 दे रखा है, 10 दे रखा है, 12 15 दे रखा है, तो फिर 20 वाला ऑप्शन करेक्ट मानेंगे उसके अकॉर्डिंग। आया समझ में, ठीक है, कोई डाउट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज केप्ट बाय प्रेसिंग टू ए वर्टिकल वॉल बाय ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड द बॉडी इज 0.3, देन द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू। ये बोल रहा है कि जैसे कोई दीवार है उसके ऊपर कोई ब्लॉक को हमने प्रेस करके रखा हुआ है, ऐसे कुछ फोर्स अप्लाई कर रखा है और उसको चिपका के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों सरफेस के बीच में, इसने ये कहीं नहीं बोला कि ये ब्लॉक रुका हुआ है, इसने बोला कि हमने इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रखा है और 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके इसको दीवार पे चिपका के रोकने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा है ना ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में, वो कितना होगा ये आपको पूछ रहा है। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 0.3 दे रखी है, और जो ब्लॉक है उसका मास दे रखा है 2 किलोग्राम, ब्लॉक कितना भारी है तो 2 किलोग्राम मास का है, और इसको दीवार पे ऐसे 100 न्यूटन के फोर्स से चिपका के रखा हुआ है। अब कोई जरूरी नहीं कि 100 न्यूटन फोर्स इसको रोक पाए, ये जस्ट एक डेटा दे दिया आपको, तो पूछ रहा है कि फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा, तो ये नहीं करना है कि बिना सोचे समझे वो फ्रिक्शन फोर्स वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला चिपका दोगे, वो नहीं करना है आपको। चेक करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो अप्लाइड फोर्स है जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है वो कितना है, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो सकता है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप का फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा, फिर आंसर बताएंगे। जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहले ये बताओ कि इसके ऊपर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा जो इसको स्लाइड करके नीचे लाने की कोशिश कर रहा होगा, वो होगा एम जी, यानी कि 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन के बराबर, तो 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। फिर इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा और वो इसको रोकने की कोशिश करेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन इक्वल टू
म्यू एन टू एन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे जो 100 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया है इस ब्लॉक के ऊपर, ये इस दीवार को दबाएगा और उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर डेवलप होगा जो कि इस 100 न्यूटन के बराबर ही होगा, क्योंकि 100 न्यूटन को ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैंसिल कर रहा होगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू किसके बराबर है? 100 न्यूटन के बराबर है। ये चीज समझ में आई क्या? तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो सकता है वो कितना होगा? तो आपको न्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3, तो इससे सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा 0.3 इंटू एन की वैल्यू है 100, कितना आएगा 30 न्यूटन के बराबर आएगा। मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है वो कितना है? 30 न्यूटन के बराबर है। जबकि अप्लाइड फोर्स कितना है जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है? वो सिर्फ 20 न्यूटन है। यानी कि अप्लाइड फोर्स यहां पे कम है। अप्लाइड फोर्स जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो सकता है, उससे कम ही आपने अप्लाई किया है। इसका मतलब ब्लॉक मूव करेगा क्या? मूव नहीं करेगा, ब्लॉक चिपका हुआ रहेगा। तो अब फ्रिक्शन कितना डेवलप हो रहा होगा इसके बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में? तो जितना फोर्स अप्लाई किया है उसी के बराबर फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा। तो ये आपका आंसर नहीं है 30 न्यूटन, आपका आंसर है 20 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये जो 20 न्यूटन फोर्स है इसको कैंसिल करने के लिए 20 न्यूटन का ही फ्रिक्शन डेवलप होगा, 30 का डेवलप नहीं होगा। 30 तो मैक्सिमम है, अगर 30 का डेवलप होगा तो नेट फोर्स 10 न्यूटन का ऊपर आएगा। ये तो ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ऊपर थोड़ी जाएगा, ऐसे दबा के रखोगे तो ऊपर थोड़ी जाता कोई ब्लॉक। तो अप्लाइड फोर्स क्योंकि यहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो आपने कैलकुलेट किया है उससे तो कम ही है ना, इसका मतलब ब्लॉक मूव ही नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और उन दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम 30 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो सकता है, तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको खिसका सकते हो क्या? नहीं खिसका सकते, मतलब ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। तो ये ब्लॉक है ना, ये मूव ही नहीं करेगा, ये नीचे नहीं जाएगा। तो नीचे नहीं जाएगा इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है वो एग्जैक्टली इस 20 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, तभी तो इसको कैंसिल कर पाएगा। तो फिर ये 30 न्यूटन क्या कैलकुलेट किया हमने? ये तो चेक करने के लिए कैलकुलेट किया है कि कहीं ये जो mg की वैल्यू है ये इससे ज्यादा तो नहीं है, इससे कम है तो फिर इसी के बराबर ही फ्रिक्शन, मतलब ये जो इसी के बराबर फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक होता, 2 किलोग्राम की बजाय कितना होता 5 किलोग्राम, तो फिर नीचे कितना लगता फोर्स? 5 × 10 यानी कि 50 न्यूटन। ऊपर फ्रिक्शन कितना डेवलप होता? मैक्सिमम 30 न्यूटन, तो नेट फोर्स नीचे बनता ना 20 न्यूटन का, तब ये नीचे खिसकना स्टार्ट कर देता। तो अभी क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो सकता है उससे कम ही है, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा और जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ही फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। तो स्टैटिक कंडीशन में आपको बताया था ना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होगा एफ अप्लाइड, जो कि यहाँ पे 20 न्यूटन के बराबर है, यानी कि आपका आंसर होगा 20 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो डेवलप होगा ना वो 20 न्यूटन के बराबर होगा, आंसर है 20 न्यूटन, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.5। इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट देन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। ये बोल रहा है कि किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से ये मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ब्लॉक का मास कितना दे रखा है? 10 किलोग्राम। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है? 100 न्यूटन के बराबर, ठीक है। और म्यू कितना दे रखा है यहाँ पे? 0.5 के बराबर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पूछा है, पहले ये चेक कर लो कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखे कि एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ब्लॉक मूव कर ही रहा होगा, लेकिन अगर ऑप्शन जीरो होता तो हमको चेक करना पड़ेगा फिर कि हो सकता है कि ब्लॉक मूव ही नहीं करे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, वहीं पे आंसर आ जाएगा। कैसे चेक करेंगे? हमको ये चेक करना है कि अप्लाइड फोर्स क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है। तो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन मैं कैलकुलेट कर लेता हूं जो इन दोनों सरफेस के बीच में लग रहा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन। यहाँ पे mg फोर्स नीचे लगेगा जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, तो n किसके बराबर है यहाँ पे? mg के बराबर है। तो ये वैल्यूज पुट करते हुए लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा म्यू इन टू एम जी, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5
एम की वैल्यू कितनी है 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10, ये आएगा 50 न्यूटन के बराबर। अब क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन है और ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ब्लॉक ऑब्वियसली मूव करेगा, और अगर मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स जो आगे लग रहा होगा क्योंकि ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो ये आगे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ डेवलप होगा, तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स जो कि 100 माइनस 50 लेना है क्योंकि अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन माइनस होगा, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये आएगा सॉल्व करने पे 50/10 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ब्लॉक मूव कर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ 2010 में। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज इन कॉन्टेक्ट विद ए कार्ट सी एज शोन इन द फिगर, द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू, द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सेटिस्फाइज। अब इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा ये आपको बताना है। पहले एक बार सिचुएशन को समझो कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या एक्टिविटी हो रही है। ये बोल रहा है कि एक कार्ट है, कोई गाड़ी है इस तरीके से, और वो किसी अल्फा एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, उसके आगे एक ब्लॉक चिपका हुआ है। ये वैसे चिपका नहीं रखा है, ये वैसे फेविकॉल से नहीं चिपकाया अपन ने, ये वैसे आगे रखा हुआ है, यहां रख दिया, लेकिन क्योंकि ये तेजी से जा रही है इसलिए इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी कार्ट ब्लॉक के ऊपर, जिसकी वजह से ये चिपका हुआ साथ जा रहा है। ठीक है, यहां पे वैसे कोई किसी भी चीज से इसको चिपकाया नहीं है, ये इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि इसको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, इस कार्ट को हम किसी अल्फा एक्सेलरेशन से आगे लेके जा रहे हैं तो ये इसके साथ चिपका हुआ चलेगा। ठीक है, तो ये आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली बात तो ये कि ये गिर क्यों नहीं रहा है नीचे, कौन रोक रहा है इसको, सोच के बताओ कि ये जो ब्लॉक है ये तो इस सरफेस पे चिपका हुआ तो है नहीं वैसे, मतलब कोई किसी चीज से, इसको तो फिसल के नीचे आ जाना चाहिए, ये आ क्यों नहीं पा रहा, इन दोनों सरफेस के बीच में कौन इसको रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा होगा, क्योंकि जैसे ये स्लाइड होके नीचे आने की कोशिश करेगा अपने वेट की वजह से तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये रुका हुआ है। समझ में आया, तो इसको रोकने वाला फोर्स कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है जी, ये बात तो समझ में आ गई कि फ्रिक्शन फोर्स यहां पे इसको रोक रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन, एन का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी कि इन दोनों सरफेस के बीच में जो नॉर्मल, यानी कि इन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कितना लगेगा वो, अब ये वाली जो कार्ट है ये इसको धक्का मार रही होगी किसी फोर्स से और उसका रिएक्शन फोर्स इस कार्ट के ऊपर आ रहा होगा, तो ये जो कार्ट है ये अल्फा एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये भी किसी अल्फा एक्सेलरेशन से साथ साथ आगे जा रहा होगा, ये भी तो आगे जा रहा है ना, देखो ये इसको धक्का मारेगी और इसको साथ में लेके जाएगी तो ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, जितने एक्सेलरेशन से कार्ट ये गाड़ी जा रही है अल्फा एक्सेलरेशन से, तो इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा आगे की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन है अल्फा और इसका मास है एम, तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा एम इंटू अल्फा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लो, और इसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस कार्ट के ऊपर। ठीक है, दोनों फोर्स आपस में बराबर होने चाहिए क्योंकि ब्लॉक ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसके साथ चिपका हुआ चल रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू है एम इंटू अल्फा के बराबर, लिख देते हैं इधर, एन किसके बराबर है, इस एम इंटू अल्फा के बराबर है। अब सिंपल सी इक्वेशन बन गई यहाँ पे कि फ्रिक्शन इस एम जी को बैलेंस कर रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है एम जी नीचे लग रहा है और इसीलिए ब्लॉक इसके साथ चिपका हुआ चल रहा है। अब इसने बोला कि कंडीशन बताओ कि कब ये चिपका हुआ चल सकता है इसके साथ, तो जब फ्रिक्शन की वैल्यू या तो इस एम जी के बराबर हो या इससे ज्यादा हो तब तक ये इसके साथ चिपका हुआ जा सकता है, अगर फ्रिक्शन कम डेवलप होगा इन दोनों सरफेस के बीच में तब एम जी की वजह से ये नीचे स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा फिर, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन रोक के नहीं पाएगा फिर इसको, तो अगर इसको ब्लॉक को साथ में चिपके हुए जाना है तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, फ्रिक्शन की वैल्यू वो या तो ज्यादा हो या बराबर हो एटलीस्ट एम जी के, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है कि ये साथ में चिपका हुआ चले। ये बात समझ में आई क्या, ये बताओ। ठीक है, बस अपने पास हिंट आ चुका है, फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, म्यू इंटू एन के बराबर है, ये बराबर या ज्यादा होना चाहिए एम जी से, एन की वैल्यू एम अल्फा के बराबर है, इट शुड बी ग्रेटर देन एम जी और इक्वल टू एम जी, एम से एम उड़ा दो दोनों साइड में, यानी कि इस ब्लॉक का मास क्या है वो मायने नहीं रखेगा,
ये कितना भी भारी हो, जो ये ब्लॉक है ये तब इसके ऊपर साथ में चिपका हुआ चलेगा जब ये एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से आगे जा रहा हो। वो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन, ये म्यू अपॉन में ले जाओ इसके, जी अपॉन म्यू। मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, अगर आप जी को उस कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन से डिवाइड कर देते हो तो जो वैल्यू अपने पास निकल के आएगी, उतने मिनिमम एक्सेलरेशन से इसको आगे गाड़ी को आगे ले जाना पड़ेगा, उतने एक्सेलरेशन से गाड़ी तेजी से आगे जाएगी ना, तो फिर ये चिपका हुआ चलेगा इसके साथ, ये इसका मतलब है। तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अपॉन म्यू, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्या, ये आपका आंसर होगा। बोलो आया क्या समझ में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रक ए ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम इज प्लेस्ड, म्यू इक्वल टू 0.6 एंड ट्रक इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, तो जो ब्लॉक है उसके ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो आपको बताना है। देखो ये बिल्कुल सिंपल सा एक केस है, एक ट्रक है, ओपन ट्रक होता है ना जैसे, उस टाइप का कोई ट्रक है ये, ये अपना ड्राइवर है इसमें, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है। ट्रक आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, और आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस है, ट्रक की जो सरफेस है, इनके बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ये ब्लॉक इसके साथ ही जा रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि मूविंग विद एक्सेलरेशन दिस और ये इसके साथ मूव कर रहा है, तो कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। पहले तो ये देखो कि फ्रिक्शन डेवलप होगा कि नहीं होगा। अगर ये ट्रक एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जीरो होता, तो फिर इन दोनों सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता। रीजन, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे होते। अब बोलोगे सर अगर ये फ्रिक्शन होगा और मान लो वो इसको रोक लेगा तब भी तो ये एक साथ मूव कर रहे होंगे, वो कंडीशन अलग है क्योंकि उस टाइम पे इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। अगर ये सिस्टम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा जीरो, यानी कि नेट फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या होना चाहिए, जीरो। ब्लॉक पे भी जीरो होगा तो ब्लॉक मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा तो फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। तो एक तो ये क्वेश्चन बन गया, इसके ऊपर ये ध्यान रखना है, उसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, उस टाइम पे फ्रिक्शन जीरो बताना है, सिंपल, ठीक है। अभी ये एक्सेलरेट हो रहा है, ट्रक आगे एक्सेलरेट होगा तो ब्लॉक किधर जाने की कोशिश करेगा बताओ, पीछे जाने की कोशिश करेगा, ये स्लाइड होकर नीचे उतरने की कोशिश करेगा, यानी कि इस पे पीछे की ओर एक शूडो फोर्स लग रहा होगा जो कि किसके बराबर होता है, बराबर होता है मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम के, एम इंटू ए के बराबर। जैसे ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा ब्लॉक के ऊपर एक शूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, है ना, अपोजिट डायरेक्शन लगता है, और कितना लगेगा तो इस बॉडी का जो मास है उसको इस ट्रक के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, वो शूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए के बराबर। तो इतना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना है, एम की वैल्यू है 1 किलोग्राम, ए की वैल्यू है 5, यानी कि आएगा 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। अब इन दोनों सरफेस के बीच में चेक करो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना डेवलप हो सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, सीधा आंसर नहीं बताना है, पहले चेक करो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना डेवलप हो सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो, ये होगा म्यू एस इनटू एन के बराबर। यहां पे जो ब्लॉक है वो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगा रहा होगा नीचे, जिससे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n प्रोड्यूस हो रहा है, तो n किसके बराबर है यहां पे, mg के बराबर है, ठीक है। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, म्यू एस हमको दे रखा है 0.6, मास 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10, तो कितना आएगा 6 न्यूटन के बराबर आएगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है 6 न्यूटन के बराबर। मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है वो 6 न्यूटन है, लेकिन ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, सिर्फ 5 न्यूटन है, यानी कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उससे कम रह गया। अप्लाइड फोर्स यहां पे क्या है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे कम है, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा। अगर यहां पे फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है 6 न्यूटन का और आप फोर्स सिर्फ 5 न्यूटन ही लगा रहे हो तो ब्लॉक को ये मूव करवा पाएगा क्या, नहीं, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इन दोनों सरफेस के बीच में अब फ्रिक्शन कितना होगा, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ट्रक के साथ ही जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। और कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लिख देते हैं इसको, हियर एफ अप्लाइड इज लेस देन फ्रिक्शन, सो दैट फ्रिक्शन फोर्स
विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये चीज याद रखनी है आपको, जल्दीबाजी में 6 न्यूटन भी ऑप्शन है वो टिक नहीं कर देना है, आपका आंसर होगा 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो कम है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर उससे कम आ जाए तो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन डेवलप हो पाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 5 न्यूटन के बराबर फ्रिक्शन यहां पे डेवलप हो रहा होगा। और अगर मान लो कि ये और ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करता ना ट्रक, तो पीछे और ज्यादा फोर्स लगता, फिर वो अगर वो 6 न्यूटन को एक्सीड कर जाता तो फिर ये स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती, फिर इसका एक्सेलरेशन भी वो पूछ सकता था। जैसे मान लो कि वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जा रहा है ट्रक आगे, तो इस पे पीछे लगता फिर 1 × 10 यानी कि 10 न्यूटन फोर्स, तो नेट फोर्स पीछे कितना था, 10 − 6 करते फिर, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा इनके बीच में, फिर वो जो नेट फोर्स आता उसको मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन फाइंड करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कार टर्न्स ए कॉर्नर ऑन ए स्लिपरी रोड एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, द मिनिमम रेडियस ऑफ द आर्क इन मीटर इन विच द कार टर्न्स इज, जो कार वो कितने रेडियस के टर्न के ऊपर घूम रही है अगर वो सेफली घूम पा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ये ऐसा कोई केस है जैसे ये कोई सर्कुलर टर्न आ गया रोड के अंदर और इसकी रेडियस मान लेते हैं आर, एक कार इसके ऊपर घूम रही है, मान लो ये अपनी कार मान लेते हैं, ये अपनी कार है, जैसे कोई सर्कुलर टर्न आता है और कार घूमती है तो इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv² / r, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो कार है वो रोड से नीचे उतर सकती है। अब कार को नीचे उतरने से कौन रोक रहा होगा, फ्रिक्शन जो टायर्स और रोड के बीच में डेवलप हो रहा होगा यहाँ पे, है ना, इन दोनों टायर्स और रोड के बीच में डेवलप हो रहा होगा, इधर दिखा देते हैं उसको, जो इसके मोशन का अपोज करेगा, तो यह है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब ये कितनी रफ्तार से जा रही है, तो v आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड और यहां पे जो म्यू है वो कितना है 0.5 के बराबर है। कौन किसको बैलेंस कर रहा है, अगर ये उतर नहीं पा रही रोड से नीचे, स्लिपरी अगर रोड है, थोड़ी स्लिपरी रोड है जहां पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है वैसे, लेकिन ये अगर रोड से नीचे नहीं उतर पा रही, इसका मतलब mv² / r को कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। तो लिख देते हैं कि यहां पे mv² / r बैलेंस हो रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला बताओ, म्यू एन टू एन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहां पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा और यहां पे उसका एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये जो कॉन्टेक्ट सर्फेस है इसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किसके बराबर है, यहां पे mg के बराबर है, n किसके बराबर है, mg, तो ये लिख दो यहां पे, ये आ जाएगा म्यू mg के बराबर, इधर है mv² / r, m तो यहां पे कैंसिल हो गया, तो आपको पूछा है कि रेडियस कितनी होगी, तो r इधर जाएगा v² / μg, वैल्यू पुट करो सॉल्व करो, v कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई म्यू कितना है 0.5 है क्या, 0.5 इंटू g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, आंसर क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर रेडियस का ये सर्कुलर टर्न होना चाहिए ताकि इतने म्यू के साथ में, म्यू की वैल्यू 0.5 है, इतने म्यू के अकॉर्डिंग ये सेफली टर्न कर पाए इतने रफ्तार से। ठीक है, आएगा समझ में, जिस तरीके से ये फोर्स लग के बैलेंस हो रहे होंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर होगा और ये जो mv² / r लग रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, तभी ये सेफली टर्न कर पाएगी, तो इस रेडियस जो निकल के आएगी वो 20 मीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास 50 किलोग्राम स्लाइड्स ओवर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देयर सर्फेसेस इज 0.2, देन वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज, ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जिसको किसी सर्फेस के ऊपर रखा हुआ हमने और वो स्लाइड करके आगे जा रहा है, मान लो यहां पे रखा हुआ है और ये स्लाइड करके आगे जा रहा होगा कहीं यहां पे, कितना दूरी इसने चली, तो ये 1 मीटर दूरी कवर कर रहा है, कितना दूरी कवर कर रहा है 1 मीटर, 50 किलोग्राम का ब्लॉक है, 50 kg ब्लॉक, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 मीटर ये कवर कर रहा है, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना दे रखा है आपको, 1 मीटर के बराबर दे रखा है, म्यू आपको दे रखा है इन दोनों सर्फेस के बीच में 0.2 के बराबर। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू कितना वर्क हुआ, तो पहले कैलकुलेट कर लो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा हो इसके ऊपर, अब क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है तो इसके ऊपर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो काम कर रहा होगा,
अगर आपको म्यू के अलग से गिवन हो तब तो आप म्यू के एन टू एन ये वाला फॉर्मूला यूज करके काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में म्यू एक सिंगल म्यू ही दे रखा होता है, तो उसी को आपको कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेना है और उसी को आपको कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना डेवलप हो रहा होगा पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन बराबर होगा म्यू एन टू एन के, एन किसके बराबर होगा तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा जिसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर आ रहा होगा, तो एन किसके बराबर होगा यहाँ पे एम जी के बराबर होगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स आएगा अपने पास म्यू एन टू एम जी के बराबर, म्यू है 0.2, एम है यहाँ पे 50 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 है, कितना आएगा ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 न्यूटन के बराबर आएगा, तो 100 न्यूटन का इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, अगर जी की वैल्यू 9.8 लोगे तो ये 98 न्यूटन के बराबर आएगा, ऑप्शन इसी टाइप के हैं इसलिए बता रहा हूँ। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1 मीटर। अगर ये बोलता कि फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू कितना वर्क होगा तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे और डिस्प्लेसमेंट होगा आगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लग रहा होगा, ये तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच का एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करते हो ना तो ये वेक्टर फॉर्म में होता है वैसे, तो इसको लिखा जाता है एफ एस कोस थीटा, क्या लिखा जाता है एफ एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 180 पुट करोगे तो आंसर आएगा नेगेटिव में। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू कितना वर्क हुआ वो पूछा जाता तो होता माइनस 100 न्यूटन के बराबर, ठीक है माइनस में लिखते, लेकिन इसने ये पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ, मतलब फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है तो उसके अपोजिट इधर जो इसको मूव करवाने के लिए फोर्स लग रहा होगा वो कितना है, वो है 100 न्यूटन के बराबर ही लेकिन वो आगे की तरफ होगा। भाई ये आगे की तरफ मूव कर पा रहा है क्यों, क्योंकि आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, कितना 100 न्यूटन के बराबर, तभी तो ये आगे मूव कर पा रहा है। तो वो 100 न्यूटन के थ्रू जो वर्क होगा वो आपको पूछा जा रहा है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में दे रखे हैं सारे। अगर इनमें से कोई आंसर नेगेटिव होता और आपको पूछता ये कि फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू कितना वर्क हुआ तो हम उसको नेगेटिव वाले को टिक करते, ये चीज समझ में आई क्या जो मैंने बताई, तो वर्क डन होगा 100 न्यूटन के बराबर या फिर 98 न्यूटन के बराबर अगर आप जी की वैल्यू 9.8 लेते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए व्हीकल ऑफ मास एम इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद मोमेंटम पी, इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड बी म्यू देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज, ये बोल रहा है कि एक व्हीकल है, कोई कार मान लेते हैं कि कोई कार है, ठीक है, और ये किसी मोमेंटम पी से आगे जा रही है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि इस कार की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, पी बाई एम के बराबर होगी, मोमेंटम के टर्म्स में लिखेंगे इसको, क्योंकि आपको वी नहीं दे रखा आपको पी दे रखा मोमेंटम, उसके टर्म्स में मैंने लिख दिया। अब ये कार जा रही है किसी रोड के ऊपर विद मोमेंटम वी, यानी कि अभी इसकी वेलोसिटी इतनी है, अब इसने इंजन बंद कर दिया, ऐसे कुछ ने बोला नहीं है लेकिन कंडीशन यही है, इंजन बंद कर दिया तो अब धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो ये कहीं आगे जाके रुक जाती है, मान लो यहां पे जाके ये रुक गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी पी बाई एम है और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी जीरो। ये बोल रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी, कहां पे जाके ये रुक रही होगी ये आपको बताना है, ये वाली डिस्टेंस है मान लो एस, तो एस कैलकुलेट करके बताना है, क्वेश्चन समझ में आया क्या। अब इसको रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा क्योंकि ये मोशन का अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी यहाँ पे पीछे की तरफ, यहाँ पे दिखा देते हैं उसको, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स बराबर होगा म्यू एन टू एन के, यहाँ पे कार का जो वेट फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जी के बराबर होगी, तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला बन गया म्यू एम जी। ज्यादातर केस में आपको एम जी के बराबर ही दिखेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कोई कोई ऐसा कैसा आएगा जिसमें अलग होगा, तो म्यू एम जी हो गया फ्रिक्शन फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा होगा, तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इस पे जो रिटार्डेशन काम करेगा यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं वो कितना होगा, तो बराबर होगा फोर्स अपॉन मास, फ्रिक्शन फोर्स कितना है म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम, यानी कि आएगा म्यू इंटू जी के बराबर, तो यह है रिटार्डेशन
जिसको नेगेटिव एक्सिलरेशन भी आप बोलते हो। अब ये जो म्यू और जी ये दोनों वैल्यू कॉन्स्टेंट है यहाँ पे देखो, तो आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। आप अगर एक्सिलरेशन कॉन्स्टेंट हो ना सिस्टम का, तो उस कंडीशन में आप क्या लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हो। अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको रिटार्डेशन पता है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लेंगे वैसे इक्वेशन में हम, क्योंकि वो रोकने का काम कर रहा है, स्पीड कम करने का काम कर रहा है, रिटार्डेशन है वो। तो रिटार्डेशन दे रखा है यानी कि नेगेटिव एक्सिलरेशन दे रखा है, इनिशियल और फाइनल स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस बता रखी है। तो कौन सी इक्वेशन होती है इसमें, इन सारी चीजों के अंदर थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ये लगा दो। v की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, u की जगह यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की जगह p बाई m पुट करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह माइनस म्यू जी, माइनस क्यों लगाया बताओ, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ऊपर मैंने जानबूझ के नहीं लगाया क्योंकि मैंने जस्ट वैल्यू कैलकुलेट की है, लेकिन जब आप पुट करोगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको एज ए रिटार्डेशन ट्रीट करना है आपको। यहां पे आएगा माइनस पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, इधर आएगा माइनस टू म्यू जी एस, ये माइनस माइनस उड़ा दो दोनों साइड में, तो बताओ एस इक्वल टू क्या गया, पी स्क्वायर अपॉन टू म्यू एम स्क्वायर जी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए फायरमैन ऑफ मास 60 किलोग्राम स्लाइड्स डाउन ए पोल, ही इज प्रेसिंग द पोल विद ए फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड्स एंड द पोल इज 0.5, विद व्हाट एक्सेलरेशन विल द फायरमैन स्लाइड डाउन। ये बोला कि फायरमैन है जो स्लाइड होके नीचे आ रहा है किसी पोल के ऊपर से, ये कोई पोल मान लो और ये अपना फायरमैन है, दोनों हाथों से इसने पकड़ रखा है इस पोल को, ठीक है। तो इसके हाथों के बीच में और पोल के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है, म्यू है यहाँ पे 0.5 के बराबर। इसका मास कितना है 60 किलोग्राम, तो इस पे वेट फोर्स नीचे लग रहा होगा, ये स्लाइड होके नीचे आने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन इसको रोक सकता है, इसके अलावा कोई और तीसरा फोर्स यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो जो जो फोर्स लग रहे हैं उनको दिखाते हैं एक बार, वेट फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, और उसको यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस कर रहा होगा। अब इसने कितना फोर्स लगा के इस पोल को पकड़ रखा है, 600 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे इसने जो फोर्स अप्लाई किया होगा, ऐसे दबाया होगा इसको पोल को, तो वो 600 न्यूटन से दबाया, तो उससे रिएक्शन फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा वो भी किसके बराबर होगा, 600 न्यूटन के बराबर ही होगा, बराबरी तो होंगे, जितने फोर्स से आप पोल को दबाओगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे 600 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस पे कितना फ्रिक्शन काम कर रहा होगा अभी, ठीक है। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, म्यू इन टू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, और एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि 600 न्यूटन के बराबर, यानी कि आ गया 300 न्यूटन के बराबर। तो इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसका वेट फोर्स कितना होगा, तो mg की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो, यह आएगा 60 × 10 यानी कि 600 न्यूटन, यानी कि इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है 300 न्यूटन का, तो नेट फोर्स नीचे कितना लगा इसके ऊपर, 600 − 300 यानी 300 न्यूटन, तो उससे एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी। नेट फोर्स कितना लेंगे, 600 − 300 डिवाइडेड बाई मास 60 किलोग्राम, बताओ एक्सिलरेशन कितना होगा, 300/60 यानी कि 5 m/s². इतने एक्सिलरेशन से ये स्लाइड होके नीचे आ रहा होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। आया समझ में, ठीक है।